जनादेश भारत न्यूज चैनल पर मेरे साथ ये समाचार। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन। और वहीं बिजनौर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती न होने पर भाजपा को वोट न देने का किया फैसला। वहीं शिक्षकों ने कहा 3 साल से 21 लाख युवा बेरोजगार है, भर्ती नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों को रिक्त होने का दिया था हल्फनामा। कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का करे विज्ञापन जारी, नहीं तो शिक्षक बनेंगे सरकार के लिए मुश्किल। उसके बाद आज 7 जनवरी 2022 3 साल और 1 दिन हो गया है। सरकार हर बार कहती है कि बच्चों को आश्वासन देती है कि सहायक अध्यापक भर्ती देंगे, लेकिन नहीं देती। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल तक कोई भी सहायक अध्यापक भर्ती अभी तक नहीं निकली है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 बैच जो BTC और BIT हैं वो निकल चुके हैं। उसके बाद संख्या इतनी हो चुकी है विद्यार्थियों की, लेकिन भर्ती कोई नहीं है। अब क्या क्या सरकार ने कि पहली बची हुई वैकेंसी की 22,000 वैकेंसी, उसमें से भी अब 6-7 हज़ार काटने के बाद 17,000 वैकेंसी अब निकालने का विज्ञापन जारी करने की कर रहे हैं। लेकिन 17,000 वैकेंसी से होगा क्या? क्योंकि हर साल लगभग 5 से 10 हज़ार जो टीचरों को रिटायर होते हैं और नई वैकेंसी की भी कम से कम 15 से 20 हज़ार मांग होती है हर साल। तो हमारी मांग ये है कि सरकार कम से कम, हमारे पास ये विज्ञप्ति है ये आप देख सकते हैं, पद तो लगभग 2,17,481 खाली है। लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि फिलहाल सरकार कम से कम 1,97,000 भर्ती, जो मैं आप विज्ञापन आप दे सकता है हमारा, तो हमारी मांग है कि 97,000 भर्ती सरकार को अभी जारी करनी चाहिए। इलेक्शन आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? जी मांगे की बात मैं बताता हूँ आपसे, क्योंकि 97,000 भर्ती का मतलब है कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे उसमें भाग लें। 5 से 6 लाख बच्चे का मतलब है कि 1 लाख बच्चे का कम से कम 5 लोग होते हैं घर में, यानी 5 लाख वोट हो गए। वे 32,000 बच्चे UPTET का फॉर्म भरा जिला बिजनौर से। अगर 32,000 बच्चों के आप यहाँ लगाते हैं बिजनौर के अंदर, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट बैठते हैं। अगर वे वोट किसी